हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बेस्ट ब्यूटी जंक्शन पर। और आज मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ इसका, ये है एवोन नेचुरल बॉडी केयर नरिशिंग मिल्क एंड हनी शावर जेल। सो ये जो आप मेरे पास बोतल देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे काफी अच्छी खासी बड़ी बोतल है एंड ये प्लास्टिक की बोतल है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्लिप काइंड ऑफ बोतल है, तो आराम से आप इसे यहां से ओपन कर सकते हैं और यहां से अपने प्रोडक्ट को जितना आप चाहें जैसा चाहें वैसा निकाल सकते हैं। और ये साउंड तो आप सुन ही रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छे से बंद भी हो जाता है और जो बोतल है वो काफी ज्यादा स्टर्डी है, तो आप इसे आराम से लेकर जा सकते हैं, कहीं भी ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं तो लेकर जा सकते हैं। सो ये एक ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ कि क्वांटिटी कितनी है। तो 200 ml की क्वांटिटी है इसकी जो कि यहां लिखी हुई है, और इसके प्राइस की बात करूं तो 249 rupees में आपको 200 ml मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी है। एंड शेल्फ लाइफ की बात करें तो आपको 3 years की मिल जाती है शेल्फ लाइफ, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके पैक के पीछे आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई दिख जाएगी, जैसे यहां पर आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, जैसे यू नो कैसे यूज करना है या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ आपको यहां लिखे हुए दिख जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि यहां पर और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसके बारे में बता देती हूं। तो ये लिखा है कि इसमें है फॉर्मुलेटेड विद मिल्क प्रोटीन एंड हनी, दिस मॉइस्चराइजिंग शावर जेल लीव्स स्किन क्लीन एंड कंडीशन, मेंटेन स्किन नेचुरल मॉइस्चर। और इसे कैसे यूज करना है, तो जैसे कि मैं सारे के सारे जितने शावर जेल के मैंने रिव्यू किए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि आप लूफा के साथ यूज कीजिए, स्पंज के साथ यूज कीजिए, वॉश क्लॉथ के साथ यूज कीजिए, जितने भी शावर जेल होते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत क्वांटिटी कम लगती है और बहुत अच्छे से लेदर भी दे देते हैं और यू नो वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसे भी आप ऐसे ही यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से ये वर्क करने वाला है। एंड मैं बात करूं इंग्रेडिएंट्स की, तो आपको मिल्क एंड हनी मिल रहा है इसके इंग्रेडिएंट्स में, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस की। सो फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाइट एंड माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है और थोड़ी देर तक भीनी भीनी सी खुशबू आपको आती रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। टेक्सचर की बात करूं तो टेक्सचर आपको काफी ज्यादा थिक मिल जाता है, बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है, बट बहुत अच्छे से लेदर देता है, अच्छे से क्लीन कर देता है, बट बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं निकालता है स्किन से, जिसकी वजह से स्किन जो है वो बिल्कुल यू नो रूखी सूखी आपको फील नहीं होती है। जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, ये जो शावर जेल है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सो मुझे लगा कि इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, सो शेयर कर दिया मैंने अपना रिव्यू। आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। सो इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा जिस भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए आगे। सो मैं जरूर कोशिश करूंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब नहीं किया है नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला है, सब्सक्राइब कीजिए, बिंदास हो गए सब्सक्राइब कीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर आपने क्लिक नहीं की तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब नई वीडियो आई है। एंड आप फॉलो कर सकते हैं मुझे द बेस्ट ब्यूटी जंक्शन के नाम से ही फेसबुक पे भी पेज पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।